शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक नालंदा पहुंचे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने अधिकारियों से कहा कि विद्यालयों की स्थिति को सुधारें, वैसे विद्यालयों को चिन्हित करें जहां सुख सुविधा का अभाव होने के साथ पठन पाठन का कार्य ठीक नहीं है। उसकी रिपोर्ट अगले दो दिनों में राज्य मुख्यालय भेजें और हर हाल में शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए। इसके पूर्व राजगीर परिषदन में प्रमुख सचिव ने एक बड़ी बैठक की जिसमें जिला के शिक्षा विभाग के सभी बड़े अधिकारी उपस्थित थे। स्थापना एवं लेखा विभाग से इस वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ की राशि राज्य भर के स्कूलों को जारी किया गया, जिसके बारे में समीक्षा करते हुए के पाठक ने दो टुक में बता दिया कि 1 अप्रैल से किसी विद्यालय में कोई बच्चा जमीन पर नहीं बैठेगा, सभी को बेंच के अलावा अन्य सुविधा उपलब्ध कराए। विभाग के पास राशि की कमी नहीं है, जरूरत है राशि को सही ढंग से खर्च कर विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के साथ में पठन पाठन की गुणवत्ता बरकरार रहे। बताते चले आपको कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक नालंदा पहुंचे, जहां पर कहते हुए नजर आए कि 1 अप्रैल से किसी विद्यालय में कोई बच्चा जमीन पर नहीं बैठेगा, सभी को बेंच के अलावा अन्य सुविधा उपलब्ध कराए। विभाग के पास राशि की कमी नहीं है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं, जिस दौरान लगातार विद्यालयों का निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। इसी क्रम में के पाठक नालंदा पहुंचे थे और वहां पर विद्यालयों का निरीक्षण करते हुए नजर आए तथा दिशा निर्देश देते हुए नजर आए कि 1 अप्रैल से किसी विद्यालय में कोई बच्चा जमीन पर नहीं बैठेगा, सभी को बेंच के अलावा अन्य सुविधा उपलब्ध कराया जाए। इसी के साथ यह भी कहते हुए नजर आए कि विभाग के पास राशि की कमी नहीं है। नालंदा से आशीष कुमार की रिपोर्ट।